तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग्स। तो दोस्तों आप सब कैसे हैं? आई होप सब कोई मस्त हैं और ठीक है। तो दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ राउरकेला और मैं अभी घर से निकल चुका हूँ और घर से निकल के 2 या 3 किलोमीटर आगे आ चुका हूँ और इधर मेरा बाइक देख सकते हैं, मेरा प्यारा बाइक अपाची 162 भी। तो इसका भी रिव्यू मैं नहीं डाला हूँ, टाइम नहीं हो रहा है इसलिए। और मतलब कमेंट भी आ रहा है जो पहला मैं जो वीडियो डाला हूँ उसमें कि मतलब थोड़ा सा जो बाइक है उसका रिव्यू डालो बोल के, तो टाइम नहीं होने के कारण मैं डाल नहीं पा रहा हूँ जो अपना अपाची का। तो कभी टाइम मिलेगा तो इसका थोड़ा सा रिव्यू मैं डाल दूँगा, जितना मैं समझ पाऊँगा जो बाइक के बारे में उतना मैं बता दूँगा वीडियो में। तो आज तो फिलहाल जा रहे हैं राउरकेला और यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों तरफ जंगल ही जंगल और जंगल का बीच में रास्ता है, तो यही रास्ता में हम लोग आगे जाएंगे राउरकेला का सिटी। तो मेन रोड में नहीं जाएंगे क्योंकि उधर से बहुत भीड़ रहता है और बहुत डस्ट भी उड़ता है, तो इधर से नज़दीक होता है और उसके बाद में मतलब इधर से थोड़ा मतलब क्या सीन मतलब अच्छा दिखने को मिलेगा आपको, उसके बाद में मतलब मज़ा आएगा जंगल जंगल जाने के लिए। तो अभी आज तो मौसम बहुत ही अच्छा किया है, आप देख सकते हैं चारों तरफ मतलब छाँव ही छाँव है, तो आज ज़्यादा धूप नहीं कर रहा है। तो राउरकेला जाएंगे, उसके बाद में वहाँ कहाँ कहाँ घूमेंगे दोस्तों वहाँ जाके पता चलेगा और कहीं कहीं जाएंगे घूमने के लिए। तो आज का ब्लॉग दोस्तों यहीं से शुरू करेंगे और कहाँ कहाँ घूमेंगे राउरकेला में उसको आपको मैं दिखाऊँगा और मैं भी आज घूम लूँगा। आज मौसम अच्छा किया है, धूप नहीं किया है। तो ये रहा मेरा जो बाइक, तो चलिए यहाँ से निकलते हैं और आप भी ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों यहाँ से निकलते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर हम लोग पहुँच गए हैं फाइनली और इधर जंगल है देख सकते हैं, उसके बाद में इधर भी जंगल है। तो यहाँ हम लोग का रास्ता बीच में है, तो इधर से हम लोग जाएंगे। तो यहाँ पर पहाड़ चढ़ गए हैं और इधर देख सकते हैं इधर से आने के लिए मुझे बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों, इधर मतलब शांत माहौल, उसके बाद में आपको देखने के लिए अच्छा अच्छा जगह मिल जाएगा देख सकते हैं। और इस जंगल ही जंगल है, तो बरसात टाइम में तो ज़्यादा मतलब जंगल हो जाता है क्योंकि पत्ता सब निकल जाता है। तो अभी तो धूप का सीजन है तो इसीलिए अभी थोड़ा सा मतलब जो पेड़ का पत्ता उत्ता अभी झड़ गया है इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा जंगल मतलब देखने को नहीं मिल रहा है। तो अगर पानी का सीजन में आएंगे दोस्तों ये रास्ता तो आपको बहुत ही जंगल देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो दोस्तों अभी मैं नदी यानी कि हम लोग का छोटा नदी एक ठू पड़ता है तो यहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं नया ब्रिज जो बन रहा है लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अभी यहाँ पर एक तो रास्ता बना दिया है माटी दे करके, लेकिन पहले यहाँ पर माटी नहीं दिया हुआ था और इधर से जो पानी में ही चला के पार करना पड़ता था बाइक हो या ऑटो या जो हम लोग का जो साइकिल सब, यानी कि जितना भी पानी भी रहेगा फिर भी वो चला के इधर से पार करना पड़ता था, तब जाके उधर आप टाउन पहुँचोगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए दोस्तों यहाँ पर माटी भर दिया गया है जिससे कि गाड़ी यानी कि बाइक आप चला सकते हैं। तो ये जो पुल है रेडी तो हो चुका है लेकिन दोस्तों इधर जो पीछे तरफ आप देख सकते हैं वहाँ पर और एक जो पिलर है वहाँ पर रेडी नहीं हुआ है, तो कुछ प्रॉब्लम हो गया है वहाँ पर इसलिए उसको रोक दिया गया है। यानी कि उधर जो आगे में जो पिलर है उसका जो आगे में जो खेत है ज़मीन है तो वो ज़मीन वाला को जो पैसा नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए जो पुल बनाने वाला लोग को रोक दिया गया है। तो अभी फ़िलहाल के लिए काम बंद हो गया है लेकिन इधर से अगर आप देखेंगे तो वहाँ से पूरा यहाँ तक पूरा बन गया है यहाँ तक, लेकिन एक पिलर खाली नहीं बना हुआ है। तो बन जाएगा तो हम लोग के लिए सुविधा हो जाएगा और आसानी से हम लोग राउरकेला सिटी पहुँच सकते हैं। लेकिन अगर ये ब्रिज नहीं रेडी होगा तो दोस्तों हम लोग को ये नीचे से पानी से ही पार करना पड़ेगा अपना जो बाइक है, और
पानी का सीज़न में, वर्षा पानी का सीज़न में दोस्तों बहुत तकलीफ़ होता है इधर, मतलब पार नहीं हो सकते हैं क्योंकि पानी मतलब ज़्यादा ही भर जाता है नदी में। तो इसको हम लोग छोटा नदी बोलते हैं। उसके बाद में और एक ठू आगे जाएंगे तो वहाँ पर चिरपानी जो पुल है यानी कि नदी, वो बड़ा नदी है तो इसको छोटा नदी बोला जाता है, लेकिन छोटा उतना भी छोटा नहीं है, बड़ा ही है, देख सकते हैं। तो ये ब्रिज रेडी हो जाएगा तो हम लोग आसानी से हम लोग का मंजिल यानी कि राउरकेला सिटी यानी कि मार्केट पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा अपना जो बाइक है उधर खड़ा किया हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा वीडियो बना रहा हूँ। इधर आप देख सकते हैं मेरा बाइक यहाँ पर है, तो यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो बना रहा हूँ। तो बहुत दिन के बाद ये रास्ता आ रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो यहाँ से निकलेंगे, उसके बाद मैं थोड़ा सा आपको वहाँ पर जो झिरपानी जो पुल है नदी है उसको भी आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा। तो दोस्तों पहुँच चुका हूँ झिरपानी पुल और ये देख सकते हैं बड़ा नदी और ये है रास्ता। तो इधर आप देख सकते हैं जो खा लेते हैं, भूख भी लग रहा है और सुबह से निकले हैं तो घर में भी कुछ खाया ही नहीं, तो हम लोग कुछ खाएंगे उसके बाद में फिर घूमने के लिए जाएंगे। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच चुका हूं मरिया पहाड़। तो दोस्तों यहां पीछे आप देख सकते हैं ये है मरिया पहाड़ बोला जाता है और ये आपका 13 नंबर सेक्टर के अंदर में पड़ता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इधर से रास्ता है और यहाँ तक, यहाँ पर अपना जो बाइक है उसको मैं खड़ा किया हूँ और अभी अंदर जाएंगे उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो पहले एक बार मैं आया था तो यहाँ पर कुछ कुछ जो पेड़ है पौधा है वो छोटा छोटा था, तो अभी देख रहा हूँ थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो अभी आपको मैं दिखाऊंगा अंदर जाके। तो अंदर जाएंगे उसके बाद में देखेंगे अभी कैसा देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ पर अपना जो बाइक है इसको मैं रख देता हूँ और अंदर जाएंगे उसके बाद में अंदर देखेंगे क्या क्या चेंजेस हुआ है। तो दोस्तों मैं घुस चुका हूं और यहां पर आपको मरिया का एक स्टैचू मिल जाएगा, तो थोड़ा सा आपको मैं सामने से दिखा देता हूं। और इधर जो है एक ठो घर है, मतलब इधर शायद चर्च होता होगा। तो यहां पर देख सकते हैं, तो यहां पर एक ठो बोर्ड में लिखा हुआ है, यहां पर देख सकते हैं कीप एरिया क्लीन यानी कि ये जगह को सफा रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कैंडल जलाने के लिए है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं ये है कैंडल रखने के लिए स्टैंड है, तो यहाँ पर दो ठू लगा हुआ है और बाकी सब में भर गया है, तो यहाँ आप कैंडल लगा सकते हैं। और इधर भी है और यहाँ पर आपको दान पेटी देखने को मिल जाएगा एक, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर डस्टबिन और यहाँ पर गेट यानी कि दरवाज़ा है वहाँ तक जाने के लिए, लेकिन दोस्तों यहाँ पर बंद रहता है और लॉक करके रखते हैं, अंदर यानी कि ऊपर नहीं जा सकते हो। तो यहाँ पर एक स्टैचू देखने को मिलेगा, उसके बाद में दोस्तों इधर सब सीढ़ी से चढ़ सकते हो लेकिन यहाँ पर लॉक है, देख सकते हैं, तो सब गेट में लॉक लगा हुआ है, तो उधर नहीं जाएंगे, ऊपर नहीं जाएंगे, इधर ही से हम लोग वीडियो बनाएंगे यानी कि ब्लॉग बनाएंगे। तो ये है देख सकते हैं ये है मरिया का स्टैचू और इधर कुछ कुछ प्रोग्राम होता है, तो इधर मतलब वो एक घर टाइप का बनाया हुआ है, तो उधर आगे जाएंगे उसके बाद में उधर भी आपको दिखाएंगे। तो एक टाइम आया था दोस्तों मैं, तो ये जो पेड़ है ये पूरा छोटा छोटा था, मतलब बहुत साल पहले यानी कि 2 या 3 साल पहले मैं आया था यहाँ पर एक बार। तो ये देख सकते हैं ये जो पेड़ सब है ये अभी थोड़ा सा बड़ा हो गया, नहीं तो पूरा छोटा था। तो यहाँ काफ़ी सारे लोग आते हैं यहाँ पर कैंडल जलाने के लिए, सुबह हो या शाम हो यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर भी एक स्टैचू है मरिया का और यहाँ पर भी जो स्टैंड है यानी कि जो कैंडल जलाने के लिए, तो यहाँ भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर भी एक दान पेटी है, उसके बाद में ये है आप देख सकते हैं मरिया का स्टैचू।
तो उधर भी और एक ठू है स्टेचू, तो उधर भी हम लोग जाएंगे और देखेंगे। तो ये जगह थोड़ा सा मतलब ऊंचा टाइप का है, मतलब पहाड़ी टाइप का है यहाँ पर। तो नीचे उधर आप जाएंगे तो उधर आपको रिंग रोड मिल जाएगा। तो उधर आप उधर से आएंगे, जिधर से गेट है वो आपको छेड़ पड़ेगा, और इधर इधर से आएंगे तो आपको 13 नंबर सेक्टर पड़ेगा, ठीक है। तो बीच में ही ये थोड़ा सा मतलब पहाड़ी टाइप का है, इसको मरिया पहाड़ बोला जाता है। और यहाँ पर ऊपर आने के बाद में दोस्तों यहाँ पर भी और एक जो स्टेचू है, तो यहाँ पर भी आपको स्टैंड मिल जाएगा कैंडल जलाने के लिए। और ये कैंडल, और इधर से सीढ़ी जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ये है मरिया का स्टेचू। तो यहाँ पर जितना भी जो स्टेचू है सब मरिया का ही है, और मरिया पहाड़ी इसको बोला जाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सारा पेड़ अभी बढ़ चुका है, ये बहुत ही छोटा छोटा पेड़ था पहले। उसके बाद में यहाँ पर एक ठू बोर्ड लगा हुआ है जो लिखा हुआ है श्रीन ऑफ मरिया पहाड़, उसके बाद में दिस इज ए साइलेंस जोन, यहाँ पर चिल्लाना माना है और कुछ बजाना भी माना है, आप देख सकते हैं। तो हम लोग उधर जाएंगे अभी, वहाँ पर एक घर है। तो ये देख सकते हैं, ये है मरिया का स्टेचू। तो यहाँ पर जितने भी जो मरिया का स्टेचू है, यानी कि 3 जगह पर है यहाँ पर। फर्स्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, उसके बाद में सेकेंड में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, उसके बाद में थर्ड में आपको ऊपर में आपको देखने को मिलेगा। तो तीनों जगह में मरिया का स्टेचू है और बाकी कुछ नहीं है। कभी आप इधर घूमना आना चाहेंगे तो आ सकते हैं, और काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं। और इधर से अभी अभी गाड़ी से आए हैं घूमने के लिए, घूमने के लिए नहीं, यहाँ पर अपना प्रार्थना करते हैं और यहाँ से जाते हैं। तो इधर एक चर्च घर है। तो दोस्तों मरिया पहाड़ घूमने के बाद में दोस्तों यहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ जुगली पार्क। तो दोस्तों शाम हो चुका था, लेकिन दोस्तों मैं यहाँ थोड़ा सा घूम के मैं जाऊँगा बोल के यहाँ पर आ चुका हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ पर जो वीडियो है या क्लिप है मैं थोड़ा थोड़ा मैं लिया हूँ, और इसको मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ टाइम नहीं हुआ और मैं जल्दी निकलूँगा बोल के मैं वहाँ पर मतलब थोड़ा थोड़ा क्लिप इधर उधर जो भी है उसको मैं लिया, उसके बाद में ये वॉइस ओवर मैं डाल दे रहा हूँ। तो देखने के लिए काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर यानी कि हरिन सब है, यानी कि डियर, इसको डियर पार्क ही बोला जाता है। तो अगर आप अंदर देखोगे तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारा आपको देखने को मिल जाएगा हरिन, और मतलब ये पार्क बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब थोड़ा शांत माहौल है। और मतलब जो अंदर देखोगे तो दोस्तों बहुत ही साफा वहाँ पर देखने को मिलेगा, पहले बहुत थोड़ा सा गंदा था, मतलब साफ नहीं था पहले, लेकिन दोस्तों अभी पूरा साफ कर दिया गया है। और यहाँ पर आपको एक बोर्ड देखने को मिल जाएगा, कब इसका उद्घाटन हुआ था, कब स्टार्टिंग हुआ है, ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर भी और एक टू साइड में बोर्ड देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इधर उधर घूमने के बाद में मैं जुबली पार्क, उसके बाद में उसका साइड में डियर पार्क है, तो वहाँ पर मैं गया था घूमने के लिए। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों एक लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना, और चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं।